जीन सदर थाना क्षेत्र के गांव में बुधवार दोपहर दुकान से दूध लेने गई 4.5 वर्षीय बच्ची को दुकान पर बैठे 16 वर्षीय युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्ची को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने बच्ची के मेडिकल के बाद दुष्कर्म की पुष्टि की। लड़का भाई का लड़का है, हमारी भाभी ने बताया हमारे को कि जो हमारी पोती वहाँ पर सामान लेने गई थी और वो रोती हुई वहाँ से आई और उसने बताया कि भाई मेरे साथ यहाँ पर मतलब पेन हो रहा था, उसके उसकी दादी उसके साथ गई और हमें देखा उसका भाई ब्लीडिंग आ रही थी तो मेडिकल में लिया, यहाँ पर जांच में देखो क्या पता चलेगा भाई कि अभी तक तो छेड़खानी का आरोप है। गुड़िया ने दुकानदार का लड़के का नाम बताया है, वो गुड़िया के ने बताया है। दो लड़के बता रही गुड़िया, गुड़िया ने तो एक ही का नाम रखा है वहाँ बताया है, वो कह रहे हैं कि वो दो थे, दुकानदार का लड़के का नाम बताया। मामले की सूचना पाकर एसएसपी डॉक्टर अरुण सिंह नागरिक अस्पताल पहुंचे। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उसे जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। गरीब की लड़की के साथ शारीरिक छेड़छाड़ की गई है, सेक्सुअल असॉल्ट की, जिस पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और मेडिकल कराया जा रहा है। कि घर से दुकान पे गई थी सामान लेने के लिए, तो दुकान पे ही लड़का बैठा था जिसकी दुकान थी, उसने इसके साथ छेड़खानी की है। दिन में 11:30-11 बजे के आसपास हुआ था। लड़की तो छोटी सी है, 5 साल की। हिंद एक्सप्रेस के लिए जीन से रोहताश भोला की रिपोर्ट।